एक और जीत राजस्थान रॉयल्स के नाम। जी दोस्तों, आईपीएल 2024 के 31 मैच था बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। दोनों टीमें अपने पिछले मुकाबले जीत कर आमने सामने भी रहे थे। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन बॉलिंग चुने थे। पहले बैटिंग करने के लिए उतरने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत दमदार हुई थी। भले ही फिलिप सॉल्ट जल्दी आवेश खान का शिकार हुए थे, लेकिन सुनील नारायण नाम के तूफान के सामने राजस्थान रॉयल्स के किसी भी बॉलर टिक नहीं पाए। जहां एक तरफ कुछ छोटे पारियां देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ सुनील नारायण आकर्षित पारी खेल रहे थे। सुनील नारायण सिर्फ 56 बॉल पर 109 रन बनाए और अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 224 रन का टारगेट रखा था। चेस करने के लिए उतरने के बाद राजस्थान रॉयल्स की भी शुरुआत दमदार हुई थी। जॉस बटलर एंड यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद जॉस बटलर को किसी भी बैट्समैन के लंबे समय तक साथ नहीं मिला। जॉस बटलर 60 बॉल पर 107 रन के तूफानी पारी खेले और अकेले ही राजस्थान रॉयल्स को इस मैच में जीत दिलाई। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन की कैप्टनशिप में राजस्थान रॉयल्स इस साल आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताना।